ये कहानी है उस लड़की की जिसे 2.5 साल की उम्र में पोलियो हो गया था, जो 11 वर्ष की उम्र तक बिना ब्रेस के चल भी नहीं पाती थी, पर जिसने 21 वर्ष की उम्र में 1960 के ओलंपिक्स में 3 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। और ये कहानी है उस लड़की की जिसका जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था, पर गरीबी जिसके हौसलों को नहीं तोड़ पाई। ये कहानी है उस लड़की की जिसका जन्म एक अश्वेत परिवार में हुआ था। आपको बता दें कि उस समय अमेरिका में अश्वेतों को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। आगे चलकर इसी अश्वेत लड़की के सम्मान में आयोजित भोज में पहली बार अमेरिका में श्वेतों और अश्वेतों ने एक साथ हिस्सा लिया था। ये कहानी है विल्मा रुडोल्फ की। विल्मा का जन्म 1939 में अमेरिका के टेनेसी राज्य के एक कस्बे में हुआ था। विल्मा के पिता रुडोल्फ एक कुली थे और मां सर्वेंट का काम करती थी। विल्मा 22 भाई बहनों में 20वें नंबर की थी। विल्मा बचपन से ही बेहद बीमार रहती थी। 2.5 साल की उम्र में उसे पोलियो हो गया। उसे अपने पैरों को हिलाने में भी बहुत दर्द होता था। बेटी की ऐसी हालत देखकर मां ने बेटी को संभालने के लिए अपना काम भी छोड़ दिया और उसका इलाज शुरू करवाया। मां हफ्ते में 2 बार उसे अपने कस्बे से 50 मील दूर स्थित हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया करती थी, क्योंकि वो ही सबसे नजदीकी हॉस्पिटल था जहां अश्वेतों के इलाज की सुविधा थी। बाकी के 5 दिन घर में ही उसका इलाज किया जाता था। विल्मा का मनोबल बना रहे इसीलिए मां ने उसका प्रवेश एक विद्यालय में करा दिया। मां ने हमेशा उसे अपने आप को बेहतर समझने की प्रेरणा दी। वो विल्मा से कहती थी कि वो अपने आप को कभी भी किसी से कमजोर ना समझे। 5 साल तक इलाज चलने के बाद विल्मा की हालत में थोड़ा बहुत सुधार हुआ। अब वो एक पांव में ऊंचे एड़ी के जूते पहनकर खेलने लगी थी। डॉक्टर ने उसे बास्केटबॉल खेलने की सलाह दी। विल्मा का इलाज कर रहे डॉक्टर KMV ने कहा था कि विल्मा कभी भी बिना ब्रेसेस के नहीं चल पाएगी, लेकिन मां के समर्पण और विल्मा की लगन के कारण विल्मा ने 11 साल की उम्र में अपने ब्रेस उतारकर पहली बार बास्केटबॉल खेली। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह बात जब डॉक्टर KMV को पता चली तो वो इससे मिलने चले गए। उन्होंने विल्मा को ब्रेस उतारकर दौड़ने के लिए कहा। विल्मा ने फटाफट ब्रेस उतारा और चलने लगी। कुछ फीट चलने के बाद वो दौड़ी और फिर गिर पड़ी। डॉक्टर एमवे उठे और चीखते हुए विल्मा के पास पहुंचे। उन्होंने विल्मा को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और कहा, शाबाश बेटी, मैंने जो कहा था वो गलत साबित हुआ, पर मेरी अभिलाषा पूरी हो गई। तुम दौड़ोगी, खूब दौड़ोगी और सबको पीछे छोड़ दोगी। विल्मा ने आगे चलकर एक इंटरव्यू में कहा था कि डॉक्टर एमवे की उस शाबाशी ने जैसे एक चट्टान तोड़ दी थी और वहां से एक ऊर्जा की धारा बह निकली। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मुझे संसार की सबसे तेज धावक बनना है। इसके बाद विल्मा की मां ने उसके लिए एक कोच का इंतजाम किया। विल्मा की लगन और संकल्प को देखकर स्कूल ने भी उसका पूरा सहयोग किया था। विल्मा पूरे जोश और लगन के साथ अभ्यास करने लगी। विल्मा ने साल 1953 में पहली बार इंटर स्कूल दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में वो आखिरी स्थान पर रही। इसके बावजूद भी विल्मा ने अपना आत्मविश्वास कभी भी कम नहीं होने दिया। उसने पूरे जोर शोर से अपना अभ्यास जारी रखा। आखिरकार 8 असफलताओं के बाद 9वीं प्रतियोगिता में उसे जीत नसीब हुई। इसके बाद तो विल्मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करती रही, जिसके फलस्वरूप उसे 1960 के रोम ओलंपिक्स में देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। ओलंपिक्स में विल्मा ने 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़ और 400 मीटर रिले दौड़ में स्वर्ण पदक जीते थे। इस तरह विल्मा अमेरिका की प्रथम अश्वेत महिला खिलाड़ी बनी जिसने ओलंपिक दौड़ की 3 प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीते थे। इस सफलता के बाद अखबारों ने उसे ब्लैक गेजल की उपाधि से नवाजा, जो बाद में धुरंधर अश्वेत खिलाड़ियों का पर्याय बन गया। वतन वापसी पर उसके सम्मान में एक भोज समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें पहली बार श्वेत और अश्वेत दोनों अमेरिकियों ने एक साथ भाग लिया था, जिसे कि विल्मा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत मानती थी। अपने करियर में विल्मा ने तमाम सफलताओं को छूने के बाद हमेशा अपनी जीत का सारा श्रेय अपनी मां को दिया। विल्मा ने हमेशा कहा कि अगर उनकी मां उनके लिए त्याग नहीं करती तो वो कुछ भी नहीं कर पाती। विल्मा की कहानी बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी, जिसमें ये देखा गया कि कैसे एक पोलियोग्रस्त बच्ची अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों का सामना करते हुए उनसे पार पाती है और हैरतअंगेज तरीके से ओलंपिक के 3 स्वर्ण पदक भी जीत लेती है।
दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।